आज का वीडियो एक्चुअली इस बारे में है कि अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं बैठ जाता हूँ पहले। कुछ टाइम पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली, इसमें मेरी गलती थी उस एक्सीडेंट में, एंड बहुत सस्ते में निपट गया मैं। मतलब कुछ भी हो सकता था उस दिन मेरे साथ में, मतलब वो जो टाइम था क्या बताऊँ यार, इतना गंदा एक्सपीरियंस था ना वो, कि मैं शेयर नहीं कर सकता आप लोगों को। मतलब मैं बोल के नहीं बता सकता कि मेरे साथ में क्या हुआ था उस दिन, मैं क्या फील कर रहा था। फट के हाथ में आ गई थी एकदम से, एंड गलती मेरी थी ऑफकोर्स, बनी हुई बात है। मेरी CBR सिर्फ दो बार क्रैश हुई है मेरे से, एक्चुअली अपनी लाइफ में दो बार क्रैश हुई वो, ज़्यादा नहीं हुआ उसके साथ में कुछ। बट फर्स्ट टाइम हुआ था वो सुपरमैन वाला वीडियो, आप लोगों ने देखा होगा सब ने, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो सुपरमैन वाला वीडियो। उसमें उस बंदे की गलती थी, वो गार्ड था, वो डिवाइडर क्रॉस करके आ गया था और मैं उसमें जाके भिड़ गया था। बट इस वाले में गलती मेरी थी, एक्सपीरियंस मेरा इतना गंदा था उस दिन का। ये मान लो कि मैंने मौत को इतने करीब से देखा था, मतलब मैं भूल नहीं पाया उस चीज़ को अभी तक कि है ना, मैं कैसे फ्लाईओवर पे बस नीचे गिरते गिरते बचा था। फ्लाईओवर से मेरी बाइक जा रही थी, वहाँ पे मेरी बाइक फ्लाईओवर की बाउंड्री से टकराई, एंड हो सकता था अगर मैं थोड़ी सी और ज़्यादा गलती करता तो मैं नीचे जाता। अगर मेरे को सही टाइम पे होश नहीं आता तो आज ये वीडियो नहीं बन रहा होता। तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ देखा जाए तो। गियर्स ने मेरे को बचा लिया, मैंने जैकेट पहन रखा था राइनोक्स का अर्बन, एंड सेफ्टी शूज़ पहन रखे थे। बाइक के कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे को भी कुछ नहीं हुआ, कोई खरोच वरोच कुछ भी नहीं। बट हाँ, एक लेवल पे मैं बहुत ज़्यादा रिस्क में था, मैं वहाँ से अगर गिर जाता तो मैं नहीं बचने वाला था। ये था मेरे साथ में कि अगर मैं गिर गया वहाँ से तो मैं बच नहीं पाऊँगा। अब आपको बताता हूँ क्या हुआ। हम लोग राइड से वापस आए, एंड मैं किसी के बारे में सोच रहा था माइंड में कुछ चल रहा था बहुत पहले से ही। तो मैं बाकी अपने क्लब के साथ में था, जयपुर राइडर्स के साथ में, तो उस टाइम पे क्या सबके साथ रहते हैं तो उनमें ध्यान रहता है मेरा, मैं किसी और के बारे में नहीं सोचता। फिर अब उनको मैंने बाय बोला, पायलट को भी बाय बोल दिया लास्ट में, और मैं और पायलट सबसे लास्ट में पूछे थे, तो लास्ट में मैंने पायलट को बाय बोला और हम लोग निकले। पायलट फ्लाईओवर के नीचे से निकल गया अपने घर के लिए, मेरे को अपने घर के लिए फ्लाईओवर के ऊपर से निकलना था। तो मैंने पायलट को बाय बोला उस टाइम पे, एंड जस्ट 2 सेकेंड या उसके जस्ट बाद का मेरे को याद नहीं क्या हुआ मेरे को। आई वॉज ब्लैंक, मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ। मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरे को गाड़ी संभालनी है, आगे कुछ करना है, स्पीड तेज हो गई थी फ्लाईओवर के ऊपर, एंड जस्ट मतलब बाउंड्री वॉल से टकराने के जस्ट कुछ सेकंड पहले मेरे को होश आया कि यार मैं भिड़ने वाला हूँ, नीचे गिरूँगा। मतलब एकदम से मतलब आंखें खुल जाती है ना कि यार नहीं, अब तो गए, अब तो मरेंगे अपन। तो उस टाइम पे मैंने, वो एकदम सही टाइम था संभलने का, एंड उस टाइम पे मेरे को संभलने का मौका मिल गया। तो मैंने ब्रेक लगाए, थ्रोटल पूरी तरह से फ्री कर दिया था। बस ये मान लो आप कि मेरे को 3 से 4 सेकंड ही मिले होंगे सब काम करने के लिए, उसमें मैंने थ्रोटल भी एकदम छोड़ दिया, एकदम फ्री कर दिया, और जितना ज़्यादा माइंड चला सकता था मैंने चलाया, ब्रेक लगा दिए दोनों ये, एंड गाड़ी को थोड़ा सा टर्न करने की कोशिश करी राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में दीवार थी और फ्लाईओवर टर्न कर रहा था। आपने वो पोलो वाला वीडियो देखा है जो पोलो केस में हुआ था ना, कि पोलो फ्लाईओवर से सीधा नीचे जंप करके नीचे चली गई थी, सेम वो मेरे साथ होने वाला था। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं देता तो सेम मेरी CBR नीचे जंप करके, या CBR का पता नहीं, मैं ज़रूर उस फ्लाईओवर से नीचे गिरता। मेरे को इतना पक्का यकीन है कि अगर मैं नहीं संभल पाता उस टाइम पर तो मैं गिरता। तो जस्ट भिड़ने से जस्ट
तीन से चार सेकंड पहले मेरे को होश आया एंड क्या बताऊँ आप लोगों को, फटके हाथ में आ गई थी यार, इतनी ज़्यादा फट गई थी मेरी, मेरे घर का रास्ता भूल गया बच गया था मैं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी गिरी भी नहीं, रुकी भी नहीं, चलती रही, भिड़ने के बाद में भी गाड़ी चलती रही, ठीक है ना, मैं बच गया, चलता रहा, मैं रुका नहीं कहीं पे भी, घर आके ही रुका था मैं कहीं नहीं रुका, घर आके ही रुका था। एंड बस ये था, भिड़ने के बाद में मेरे मुँह से सिर्फ गालियाँ निकली मेरे लिए और कुछ नहीं निकला, मैंने खुद को देखा भी नहीं कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी, बस गाड़ी चल रही है, चलती रही, घर का रास्ता भूल गया मेरे को जाना सीधे था, मैं निकल गया मार्केट की तरफ। तो वो खैर वीडियो इतना लंबा नहीं करूँगा मैं, वो दिखा के भी, जो भिड़ने वाला वीडियो है आप वो पहले देखो आप। Let's go! Oh! खतरनाक भाई साहब, हटके हाथ में आ गए थे, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। जो बचाऊ ना मैं यहाँ पे भाई साहब, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को ज़िंदगी में वापस कभी नहीं चाहिए। अब मैं मानता हूँ कि राइडिंग में, बाइक राइडिंग में रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, बट यार अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये गलती मेरी थी और बहुत बड़ी गलती थी ये, एंड इसका बहुत सस्ते में निपट गया। मेरे को नहीं पता मेरे को किसने बचाया, कैसे मैं बचा, बट बच गया, इतना मेरे लिए काफ़ी है, बस इतना ही था, मैं बच गया, आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, राइड करते रहेंगे ज़िंदगी भर, कोरोना से और बच जाए, बस एक बार कोरोना ख़त्म हो जाए उसके बाद में एक अच्छी सी राइड करेंगे यार, बहुत टाइम हो गया राइड करे हुए आज, तो लेट्स सी अब देखते हैं आगे क्या रहता है। एंड राइड सेफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूँगा जल्दी ही नया वीडियो आए, एंड मेरे मीटर वगैरह के वीडियोज़ आते रहते हैं, किसी को भी कुछ भी डाउट हो या कुछ भी मेरे से बात करनी हो, मेरा क्लब ज्वाइन करना हो तो मेरे से इंस्टा पे बात कर सकता है, मैं ऑलवेज़ वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, अगर मेरा नंबर भी चाहिए तो मैं वहीं पे दे पाऊँगा आप लोगों को, यूट्यूब के कमेंट्स में अपने नंबर नहीं दे पाऊँगा, मैंने पहले भी मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में, अपने वीडियो के कमेंट्स में आते हैं कि आपके नंबर दो, आपके नंबर, तो मैं यहाँ पर नंबर नहीं दे सकता मेरे, आप मेरे से इंस्टा पे ले लो, वहाँ पे अपन बात करेंगे, अगर जरूरी हुआ तो आपको नंबर भी मिल जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, मेरा पूरा सपोर्ट रहता है राइटर्स को मेरी तरफ से जितना हो सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।